इमानती दे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं। पैसे का अभाव, सरकार ने वायदा किया लेकिन वो अधर में लटका हुआ। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये वायदे इस तरह से पूरे किए जाते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरह से हालात जो बन चुके हैं, निर्माणाधीन हैं, कार्य चला लेकिन शुरुआत हुई, अंत नहीं हुआ, कार्य पूरा नहीं किया गया। और इसका कारण साफ तौर पर पैसे का अभाव बताया जा रहा है, जहां पर ये व्यायामशालाएं इस तरह से अपना खस्ता हाल बयां कर रही हैं। ये उन्होंने स्कीम चलाई है योग की सरकार ने, तब से योगशाला के लिए ग्रांट दिया गया था, जो कि बीच में अदर में ही लटकी पड़ी है, वो खंडर बन गई है, उसमें लोग आवारा पशु घूम रहे हैं, जो भी उसका काम अधूरा है। हम इसका जी 20 लाख ग्रांट आई थी पिछले साल, दोबारा तो कोई पैसा आया नहीं। माने पंचायत फंड दे भी कुछ इसमें पैसा दिया, अगर सारा पैसा हम पंचायत फंड दे काम करें, गांव के काम रुक जाएंगे। हमारा अगली 14 लाख की किस्त आनी है, अगर वो आ गई आप उसको तैयार कर दे, लेकिन सरकार अभी दे नहीं रही, पैसा डाल नहीं रही, एक साल से पेंडिंग पड़ा काम। हमारी मांग है कि हमारी किस्त दे जावा ताकि हम इसको योग दिवस मना सकें, यहाँ काम चल जाए हमारा कंप्लीट। अभी एक्शन साहब से बात हुई थी, उनका जल्दी पैसा रिलीज होने वाला है, कुछ तो हमारी कंप्लीट हो गई है, कुछ अधूरी है, उनका भी पैसा जल्दी से जल्दी उनका पैसा मंगवाया जाएगा, और ताकि जो अधूरा काम पड़ा है उसे पूरा किया जाएगा, जल्दी इन पर कार्रवाई होने वाली है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता मेनपाल इंद्री से। जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये कह रहे हैं कि पैसे का अभाव है, क्या सच में, क्योंकि आपने इस खबर को ध्यान से देखा और गहराई से जांच की होगी, सच में पैसे का अभाव है, सरकार की कारगुजारी जो इस पर सवाल उठते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा गुरजोत जी, मामला गांव नीलोखेड़ी के गांव सिद्धपुर का है, और वहां पर कासर रोड में व्यायामशाला बनाने के लिए 35 लाख लगभग प्रत्येक गांव के हिसाब से ग्रांट दी गई थी, और जिसके बाद सरकार द्वारा 20-20 लाख रुपए की पहली किस्त जाने के ग्राम पंचायत ने व्यायामशाला का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन जो शेष ग्रांट थी वो आने से यह कार्य अधर में रुक गया है, और जो सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी कि 20-20 लाख की जो किस्त है वो दी जाएगी, लेकिन एक किस्त दी थी उसके बावजूद वो किस नहीं पहुंची है, और कार्य जो था व्यायामशालाओं का वो अधर में लटक गया, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की, प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल सामने निकल कर आती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से गांव का जो विकास कार्य है अधर में लटका हुआ है, और गांव के जो लोग हैं उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्थानीय जो विधायक है कबीर पंथी जी, उनसे भी हमारी बात हुई थी कि उन्होंने बताया था कि 3 व्यायामशालाओं के जो निर्माण हेतु जो सरकार द्वारा जारी ग्रांट के अनुसार कार्य करवाए गए थे, तो शेष ग्रांट आते ही उन व्यायामशालाओं के अधूरे जो पड़े कार्य है उनको जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब पूरा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। मेनपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो यही निकल कर सामने आया कि यहाँ पर जो कार्यशैली है सरकार की, उस पर सवाल उठते हैं।